हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न विद द टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। यहाँ पर मैं फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ द हिंदू की वोकैबुलरी के साथ, जो कि हर एक मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल झिझकिएगा नहीं, कॉमेंट में आपका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग्स विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे और आपने नोटबुक और पेन ले लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हों जो आपके पहले से ध्यान में हो, तो ये एक रिविजन का काम करेगा और नए शब्द यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा, सुनिएगा जरूर। चलिए आज के सेशन में यहाँ जो टॉपिक है वो है लिमिट एंड एक्सेस, है ना। ये एडिटोरियल है आज ही का, 24 तारीख का। उसका जो पहला वर्ड है सीलिंग। देखिए, एक सीलिंग है कि जैसे ही हम जिस कमरे में होते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो सीलिंग होता है, वो रूफ नहीं होता है। रूफ कहने का मतलब है कि जब हम छत पे चले जाएं और ऊपर से जब हम कहेंगे तो वो रूफ होगा, लेकिन कमरे के अंदर से अगर देखें तो उसको सीलिंग कहते हैं। तो इस दोनों में अंतर है और मुझे लगता है कि इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहां पर सीलिंग का क्या मतलब है, तो सबसे पहले इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है अपर लिमिट, व्हाट इज अलाउड, है ना। मतलब अंतिम सीमा या ऊंचाई से सीलिंग का अर्थ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीलिंग के साथ फैन लगा दो, सीलिंग फैन आप जानते हैं। सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट, जो कि अलाउड हो। तो सीलिंग का मतलब होता है ऊंचाई से, अंतिम सीमा से। अगला वर्ड है क्रिस्टलाइज। अब देखिए, क्रिस्टलाइज का जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है वर्ब। मेक फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन एम्बिग्युटी, मेक क्लियर। मतलब क्रिस्टलाइज कहने का मतलब, लोग बातचीत में भी कहते हैं ना कि मुद्दा क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर कहने का मतलब है कि पूरी तरह से स्पष्ट है। तो क्रिस्टलाइज करने का मतलब होता है स्पष्ट करना या परिभाषित करना। जो इसका अगला वर्ड है वो है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है और है इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट, टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अनप्लेजेंट। मतलब है थोपना, दंड देना, पीड़ा पहुंचाना और सजा देने से हम इसका अर्थ लेते हैं। इन्फ्लिक्ट जो है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहां जो हमने पहला वर्ड लिया वो था सीलिंग, दूसरा था क्रिस्टलाइज, तीसरा क्या था इन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला वर्ड है वो है प्रीएम्बल। अब देखिए, प्रीएम्बल जो है वो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और हमने और आपने भी पहले से सुन रखा होगा कि हमारे संविधान का भी प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना से, प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन टू अ कॉन्स्टिट्यूशन और मेक अ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन। अब देखिए, चूंकि ये वर्ब की तरह भी है तो बनाना भी होता है और प्रस्तावना से भी सेंस लेते हैं, तो प्रीएम्बल का सेंस जो है वो है प्रस्तावना। अगला देखिए, पांचवा ईयरमार्क। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और ईयरमार्क का मतलब होता है गिव और असाइन अ रिसोर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और कॉज। मतलब है ना, किसी चीज को पहले से चिन्हित करके भविष्य के किसी उद्देश्य के लिए रख लेना। जैसे क्या है कि अलग रखना या अलग से किसी उद्देश्य के लिए रख लेना। जैसे है ना, किसी के ऑफिस में जो है किसी को हम ईयरमार्क करके रख दे कि अगला मैनेजर ये होगा। तो ईयरमार्क करने का मतलब है गिव और असाइन अ रिसोर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और कॉज। अगला जो वर्ड है वो है लाइबल। लाइबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल, मतलब है देनदार और उत्तरदायी के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो इस फेज पर जो हमने वर्ड लिया वो है प्रीएम्बल, दूसरा क्या है ईयरमार्क, तीसरा क्या है लायबल। लायबल जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब होता है देनदार और उत्तरदायी। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। सेशन का जो सातवां वर्ड है फार फ्लंज, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और फार फ्लंज का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंसिडरेबल एक्सटेंट या रिमोट, सुदूर के सेंस में कहते हैं, दूर तक फैला हुआ के सेंस में कहते हैं फार फ्लंज। अगला जो वर्ड है वो है प्रून। प्रून नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। वीड आउट अनवांटेड और अननेसेसरी थिंग्स, मतलब है काटना, छांटना और छटाई करना। खेती के दौरान जो है देखेंगे किसान अक्सर जो है खेतों में जो अनवांटेड पौधे, फसली पौधे के बीच में उग जाते हैं उसको जो काटते छांटते हैं, तो ये अलग संदर्भ में भी इस्तेमाल होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि शब्दों का जो अर्थ है ना वो वाक्य में कैसे इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब से बदलता है। तो एक मीनिंग याद करके नहीं रखना है, एक समराइज वैल्यू याद रखनी है कि इसका ये होता है, किसी और संदर्भ में भी उस सेंस को यूज किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रून का मतलब यहां पर है वीड आउट अनवांटेड और अननेसेसरी थिंग्स, मतलब है काटना, छांटना या छटाई करने से। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अगला जो वर्ड है वो है स्टेमी। स्टेमी नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, हिंडर और प्रिवेंट द प्रोग्रेस और accomplishment of, मतलब किसी भी चीज को जो है बाधा डालना, रोकना। स्टेमी जो वर्ड है ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यहां जो आया फार फ्लंज, प्रून एंड स्टेमी, ये मेरा पिछला जो था लिमिट एंड एक्सेस में ये नौ ऐसे वर्ड थे जो कि आज के एडिटोरियल का इंपॉर्टेंट था। चलिए हम अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मनी एंड मसल।
अब इसमें जो पहला वर्ड है वो ostensible, ostensible adjective की तरह प्रयोग होता है, represented और appearing as such या pretended, मतलब है प्रत्यक्ष तथाकथित या प्रकट। जो ostensible का मतलब होता है प्रत्यक्ष तथाकथित, represented और appearing as such या pretended। अगला जो वर्ड है वो है indulge, indulge verb की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है enjoy to excess, to allow yourself to have or do something for pleasure, मतलब है लिप्त होना, आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, किसी चीज में लिप्त जब हो जाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, इंडल्स। पहला वर्ड क्या है, ostensible, मतलब होता है प्रत्यक्ष तथा कथित, और दूसरा जो वर्ड यहां पर है वो है इंडल्स, और टॉपिक क्या है, मनी एंड मसल। अगला जो वर्ड है वो है बिहूव, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, बी अप्रोप्रिएट और नेसेसरी, मतलब होता है उपयुक्त होने के लिए। अब देखिए उपयुक्त होने के लिए हम लोग परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन है, आप वहां पर बिहूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मजेदार नया शब्द है, ostensible का मतलब है प्रत्यक्ष तथा कथित और प्रकट, इंडल्स का मतलब है लिप्त होना, आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, और बिहूव का क्या मतलब है, उपयुक्त होना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है, ये सुन रखा होगा आपने, ये निवारक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है, समथिंग इमटेरियल दैट इंटरफेयर्स विद और डिले एक्शंस और प्रोग्रेस, समथिंग दैट मेक्स समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग, मतलब ये है कि डराकर रोकने वाला, या निवारक के अर्थ में हम डेटरेंट का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से डरा करके रोकने वाला है किसी चीज के निवारक के तौर पर। अगला जो वर्ड है मिसगिविंग, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, डाउट अबाउट समवनस ऑनेस्टी और फीलिंग of doubt, worry and suspicion, मतलब अगर आपके अंदर मन में कोई चिंता या वरी या सस्पिशन का कोई ऐसा फीलिंग्स आ जाए तो उसके लिए आप कह सकते हैं मिसगिविंग, मतलब होता है आशंका, डाउट अबाउट समवन्स ऑनेस्टी, किसी के ऑनेस्टी ईमानदारी के प्रति भी आपके मन में कोई शंका है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिसगिविंग, या फिर अ फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और सस्पिशन, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मिसगिविंग। अगला जो वर्ड है रेसिन, रेसिन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है कैंसिल ऑफिशियली। अब देखिए कैंसिल शब्द होता है ना, रिजेक्ट शब्द होता है ना, रद्द कर देने के सेंस में होता है, यहां पर बहुत अच्छा वर्ड है, रेसिन का मतलब होता है रद्द करना, रेसिन का क्या मतलब होता है रद्द करना। तो यहां पहला वर्ड जो है इसमें मनी एंड मसल में चौथा, पहला नहीं चौथा है डेटरेंट, पांचवा है मिसगिविंग, और छठा जो है वो है रेसेंट। डेटरेंट का मतलब होता है निवारक, मिसगिविंग का मतलब होता है शक जो हो जाए किसी के प्रति, चिंता हो, आशंका हो, और रेसेंट का मतलब होता है कि कैंसिल ऑफिशियली, रद्द करने के सेंस में। चलिए फटाफट अगला वर्ड लेंगे, यहां पर जो है एल्यूरमेंट, एल्यूरमेंट का मतलब ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, अट्रैक्टिवनेस द एक्ट ऑफ एंटाइसिंग अ पर्सन टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब ये होता है कि मोह, लालच और आकर्षण, किसी को आप एंटाइस कर ले किसी गलत चीज को करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। एल्यूरमेंट एक नाउन है, वैसे भी आप जानिए कि जहां पर M-E-N-T लगा हुआ होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। आगे देखिए स्वे, स्वे जो होता है नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवे, विन अप्रूवल और सपोर्ट फॉर और कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, मतलब है कि झूलने से, झुकने से, शासन या प्रभावित करने से। यहां जो लिखा हुआ है ना कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है प्रभावित करने से, कहीं की जो है उसका इन्फ्लुएंस कंट्रोल हो, उस सेंस में स्वे का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्यूरमेंट का मतलब होता है मोह, लालच और आकर्षण से, और स्वे का क्या मतलब होता है, झूलना, झुकना या प्रभावित करने के सेंस में। चलिए यहां पर ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, अगला टॉपिक है क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विद अ ग्रीन हार्ट, ये आज ही का एडिटोरियल है तीसरा। अब इसका जो वर्ड है पहला देखिए परसूट, परसूट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है, इसका मतलब होता है पीछा करने से, तलाश करने से, खोज से। आपने एक बहुत फेमस मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, आपने शायद देखी हो, अ सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव दैट मीट्स कॉग्निटिव क्राइटेरिया, मतलब है पीछा, तलाश या खोज से। अगला जो वर्ड है वो है इनिमिकल, इनिमिकल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, मतलब होता है जो हानिकारक हो, फ्रेंडली ना हो, विद्वेषपूर्ण हो, जिसके मन में आपके प्रति द्वेष हो, उसके लिए हम कह सकते हैं कि इनिमिकल और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो आप इसके आगे नाउन लगा करके अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना सकते हैं, तो फटाफट आप एक सेंटेंस बनाकर कमेंट में लिख करके बताइए इनिमिकल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला जो वर्ड है वो है कस्प, कस्प का मतलब अंतराल से होता है, ये नाउन की तरह यूज होता है, टाइम ऑफ चेंज बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। अब देखिए टू डिफरेंट स्टेट के बीच में जो टाइम चेंज होता है, जो अंतराल होता है, उसके लिए हम कस्प का यूज करते हैं, टाइम ऑफ चेंज बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम यूज करते हैं कस्प। तो यहां पर जो पहला वर्ड है परसूट, दूसरा है इनिमिकल और तीसरा है कस्प। चलिए अगला वर्ड लेते हैं डिग्रेडेशन, यहां पर देखिए एक और चीज जानिए कि जिस शब्द के लास्ट में TION लगा हुआ होता है वो भी नाउन होता है, और देखिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब होता है पतन, चेंजिंग टू अ लोअर स्टेट, विशेष करके आपकी इज्जत में, रिस्पेक्ट में, अ डाउन कास्ट स्टेट,
मतलब है बदनामी से, पतन से, निम्नीकरण से, दुर्दशा से। डिग्रेडेशन का मतलब होता है पतन। अगला जो वर्ड है वो स्टेवर्ड, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, समवन हु मैनेजेस प्रॉपर्टी और अदर अफेयर्स फॉर समवन एल्स, एन अटेंडेंट टू एन एयरप्लेन। मतलब एरोप्लेन का जो अटेंडेंट होता है उसको स्टेवर्ड कहते हैं, या प्रबंधक कह सकते हैं, किसी के जागीर और किसी के प्रॉपर्टी को जो मैनेज करता है उसको भी हम स्टेवर्ड कहते हैं। अगला जो वर्ड है सबोटाज। सबोटाज नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है तोड़फोड़ करना, तहस नहस करने से, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी और हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस, मतलब है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना और नॉर्मल ऑपरेशंस में बाधा डालने से, मतलब है तोड़फोड़ करना और बिगाड़ने के सेंस में हम सबोटाज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां जो वर्ड है डिग्रेडेशन, इसका मतलब होता है पतन, बदनामी, निम्नीकरण, और अगला जो वर्ड है वो स्टेवर्ड। स्टेवर्ड का मतलब हो गया आप मैनेजर से ले लो, प्रबंधक से ले लो, या फिर एरोप्लेन में जो अटेंडेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टेवर्ड। सबोटाज का मतलब होता है तोड़फोड़ करने से और बिगाड़ने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, एन अकरेंस ऑफ रिबाउंडिंग और स्प्रिंगिंग बैक, मतलब है लचीलापन, पलटाव या प्रतिरोध क्षमता। देखिए अब किसी चीज को दबाएं और उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है उसके लिए हम रेजिलियंस का इस्तेमाल करते हैं, लचीलापन, पलटाव या प्रतिरोध की क्षमता के लिए रेजिलियंस का प्रयोग करते हैं। कंटिंजेंसी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, पॉसिबल इवेंट और अकरेंस और रिजल्ट, मतलब है संयोग, संभावना और आकस्मिकता से हम इसका मीनिंग लेते हैं। कंटिंजेंसी का मतलब क्या है, पॉसिबल इवेंट और अकरेंस और रिजल्ट, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो अगला वर्ड है वो है डिमिनिश, और डिमिनिश का मतलब होता है कम होने से। डिमिनिश का क्या मतलब होता है, कम होने से, मतलब है देखिए यहां पर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, लेसन द अथॉरिटी, डिग्निटी और रेपुटेशन ऑफ और डिक्रीज इन साइज। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम होने से, छीन होने से, घटने से या घटाने से। अगर आपकी कोई कैपेसिटी है जो घट रही है तो आप उसके लिए डिमिनिश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉमनली हम लोग डिक्रीज इस्तेमाल करते हैं और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कितना स्टैंडर्ड वर्ड है, आप डिमिनिश यूज करते हैं तो बहुत ही मजेदार हो जाती है आपकी इंग्लिश। तो यहां पर जो पहला वर्ड इस पेज पर है वो है रेजिलियंस, दूसरा है कंटिंजेंसी, सॉरी यहां पर जो पहला वर्ड है वो है रेजिलियंस, दूसरा जो है कंटिंजेंसी, और तीसरा क्या है डिमिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है रैमरॉड, ये बहुत जबरदस्त शब्द है। आप रैमरॉड, मैं खुद जब पढ़ा तो मैं सरप्राइज था। देखिए रैमरॉड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, कहता है टू फोर्स विद अ रैमरॉड। अब देखिए रैमरॉड का क्या मतलब है, एक तो जो गन में गोली चलती है उसके ऊपर जो धक्का लगता है उसको हम रैमरॉड कहते हैं, या फिर उस नली को जो साफ करने के लिए जिस छड़ का इस्तेमाल करता है उसको भी हम रैमरॉड कहते हैं, लेकिन इसका संदर्भ कहीं और है। देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ लॉ, बिल और एनी अदर प्रोसेस इज पुश्ड थ्रू फोर्सफुली एंड स्विफ्टली इट इज रेफर्ड टू एज बीइंग रैमरॉडेड। मतलब यह है कि अगर किसी बिल को, किसी लॉ को फोर्सफुली और तेजी से पास करा लिया जाए तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये तो रैमरॉडेड हो गया। रैमरॉडेड मतलब हो गया कि उसको ठीक से नहीं, बहुत तेजी से, फोर्सफुली, क्या कह रहा है, पुश थ्रू फोर्सफुली एंड स्विफ्टली इट इज रेफर्ड टू एज बीइंग रैमरॉडेड। और ये आज के पेपर में यूज हुआ है रैमरॉडेड, और किसी एक बिल को लेकर के था और एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ था, जो 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट ने शायद बहुत दबाव में, बहुत अचानक से और तेजी से उसको पास करा लिया, उसी के लिए लिखा हुआ था रैमरॉडेड। बलपूर्वक या जबरदस्ती से किया गया, या बंदूक का गज, मैंने कहा ना बंदूक के वो सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो गोली पर धक्का लगाता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और यहां पर बलपूर्वक या जबरदस्ती से किया गया, विशेष करके किसी लॉ या किसी बिल के लिए होता है। अगला जो वर्ड है ये है रोबस्ट। रोबस्ट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग इन फॉर्म, कंस्टिट्यूशन और कंस्ट्रक्शन, मतलब होता है मजबूत, स्वस्थ और असभ्य से। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग इन फॉर्म, मतलब जो मजबूत हो, है ना, कंस्टिट्यूशन में और कंस्ट्रक्शन में उसके लिए मजबूत, स्टर्डी जो इस्तेमाल करेंगे स्वस्थ और असभ्य के सेंस में वो होगा रोबस्ट। जो अगला वर्ड है वो है स्वाद। स्वाद नाउन और वर्ब दो तरीके से इस्तेमाल होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों है। एन एनवेलोपिंग बैंडेज रैप इन स्वेडिंग क्लॉथ्स, मतलब होता है चौड़ी पट्टी, लपेटना या बांधने के सेंस में हम ये स्वाद का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेज पर जो वर्ड है मुझे लगता है रोबस्ट शायद आपके जान पहचान का होगा। रैमरॉड मतलब होता है बलपूर्वक या जबरदस्ती से किया गया, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत और स्वस्थ, और स्वाद का मतलब होता है चौड़ी पट्टी, लपेटना या बांधने से। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो अगला वर्ड है रिपरकुशन, ये बहुत अच्छा शब्द है। रिपरकुशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, अ रिमोट और इनडायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ सम एक्शन, मतलब है कि अगर किसी एक्शन को आपने किया अभी और काफी लंबे समय के बाद जो उसका प्रतिक्रिया आए या फिर जो इनडायरेक्ट रिएक्शन आएगा उसके लिए हम रिपरकुशन यूज करते हैं। अ मूवमेंट बैक फ्रॉम एन इंपैक्ट, मतलब होता है अप्रत्यक्ष परिणाम या प्रतिक्रिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिपरकुशन का। अगला जो वर्ड है रिशीड, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है,
और पुल बैक और मूव अवे और बैकवर्ड बिकम फेंट और मोर डिस्टेंट मतलब होता है कम होना पीछे हटने से धुंधला पड़ने के सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं रिसीड का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है लार्जर एंड कंटेनिंग मोर डिटेल देन नेसेसरी मतलब इतना डिटेल है कि उसकी जरूरत नहीं है। इंटेंडेड टू सीम इंपॉर्टेंट और ग्रेट मतलब भव्य और आडंबरपूर्ण के सेंस में हम ग्रैंडियोस का इस्तेमाल करते हैं है ना। तो यहां पर जो तीन शब्द है रिपरकशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष परिणाम से प्रतिक्रिया से रिसीट का मतलब कम होना पीछे हटना और धुंधला पड़ने से इस्तेमाल करते हैं ग्रैंडियोस का इस्तेमाल करते हैं भव्य और आडंबरपूर्ण के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो वर्ड है वो है अनफॉर्सिन। अनफॉर्सिन कैसे इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव है नॉट एंटिसिपेटेड और नॉट एक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं वो हो जाए मतलब है आकस्मिक से अनपेक्षित से या अप्रत्याशित से। तो अनफॉर्सिन का मतलब क्या होता है अनपेक्षित आकस्मिक जिसकी उम्मीद हमने ना की हो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है वो एग्जेम्प्लीफाई। अब देखिए एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्जेम्प्लीफाई। और ये जो होता है वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है जिस शब्द के अंत में FY लगा हुआ होता है ना वो वर्ब होता है सिंप्लीफाई रेक्टिफाई मॉडिफाई। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना ये वर्ब होते हैं और एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है क्लेरिफाई बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ मतलब है उदाहरण देकर समझाना या किसी चीज का उदाहरण होना। अगला जो वर्ड है यहां पर सैंक्टिटी। सैंक्टिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली मतलब किसी चीज में अगर पवित्र होने की क्वालिटी हो पवित्रता से और अनुलंघता से मतलब है जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते जो पवित्र होता है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सैंक्टिटी का मतलब है पवित्रता से। इतनी टफ हिंदी है कि हमको खुद भी उच्चारण नहीं होता है। सैंक्टिटी का मतलब क्या है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। तो यहां पर जो अनफॉर्सिन का मतलब है आकस्मिक से है अप्रत्याशित से है एग्जेम्प्लीफाई का मतलब है उदाहरण दे करके समझाने से और जो सैंक्टिटी का मतलब है वो पवित्रता से है। अगला जो वर्ड है वो है स्टैट्यूटोरी। स्टैट्यूटोरी जो है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और ये एक लीगल टर्म यानी कि संविधान से नियम कानून से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या कह रहा है देखिए कि रिलेटिंग टू और क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट्स है ना। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है संवैधानिक से। तो स्टैट्यूटोरी का एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसका जो मतलब है वो है संवैधानिक। तो ये जो आज का एडिटोरियल है क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विद ग्रीन हार्ट यहां खत्म हो गया। अब यहां पर कुछ और शब्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं आप इसको रिविजन के तौर पर देख लीजिए। ये पिछले दिन के एडिटोरियल का है और पिछले दिन मैं ये वर्ड रेडी किया था बट मैं ला नहीं पाया तो यहां पर अब 5 मिनट 10 मिनट और लग जाएगा तो आप इसको भी देखते चलिए बेहतर है। देखिए अगला जो वर्ड है ये है ओवरहॉल। ओवरहॉल नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ओवरहॉल का मतलब होता है मेक रिव्यूज रिपेयर्स इनोवेशन रिवीजन एंड एडजस्टमेंट टू मतलब होता है पूरी तरह से जांच करके मरम्मत करना निरीक्षण करना और आगे निकल जाना। ओवरहॉल का मतलब होता है पूरी तरह से जांच करके मरम्मत करना। तो यहां अगला वर्ड है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता से या नाउन की तरह इस्तेमाल होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी जिस पर हम भरोसा कर सके मतलब है क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय से। अगला वर्ड जो है वो है स्टार्क मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कंप्लीटली कंप्लीट और एक्सट्रीम के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं मतलब है पूर्ण रूप से बिल्कुल करा कठोर एकदम भिन्न इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आप कंप्लीटली कंप्लीट और एक्सट्रीम के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। स्टार्क जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहां जो तीन शब्द आया वो है ओवरऑल क्रेडिबिलिटी और स्टार्क। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है फियास्को। फियास्को नाउन की तरह प्रयोग होता है और फियास्को जो है अ सडन एंड वायलेंट कोलैप्स डिबैकल यानी कि असफलता और घोर विफलता के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। असफलता के लिए आप जो कॉमन शब्द इस्तेमाल करते हैं आप वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फियास्को। अगला जो शब्द है वो है सुओमोटो। अब देखिए सुओमोटो क्या होता है ये एक लीगल टर्म है और ये एडजेक्टिव के तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। मान लीजिए संज्ञान लेने के सेंस में कहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जो शहर में हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट जज कहीं पर भी जो होते हैं वो अपने तरफ से संज्ञान लेते हुए सरकार को या जिला परिषद को या जिला में जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उससे एक जो है सवाल पूछती है। तो स्व प्रेरणा से जो काम किया जाता है उसको हम कहते हैं स्व मोटो। ऑन इट्स ओन मोशन मतलब है स्व प्रेरणा के सेंस में इस्तेमाल करते हैं स्व मोटो का। अगला जो वर्ड है वो है प्रोब। प्रोब नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन और एग्जामिन थोरोली एंड क्लोजली
मतलब होता है जांच पड़ताल करने से, प्रोब का मतलब क्या होता है जांच पड़ताल करने से। तो यहां पर जो तीन वर्ड आया वो है फियास्को, सो मोटो एंड प्रोब। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, वो है कंसोलेशन। अब देखिए कंसोलेशन का मतलब जो है वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है सांत्वना देने से, द कंफर्ट यू फील व्हेन कंसोल्ड इन टाइम्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि पहला जो हिंदू का एडिटोरियल वोकैबुलरी मैंने आपके सामने रखा उसमें कौन सा ऐसा शब्द था जो कंसोलेशन का सिनोनिम है। मैंने आपको बताया था वहां पर कंसोलेशन के लिए, यहां पर मतलब है सांत्वना और आश्वासन से। तो आपको कमेंट में ये लिख करके बताना है कि सांत्वना और आश्वासन के लिए कौन सा शब्द मैंने पिछले दिन आपको बताया था। चलिए अगला जो वर्ड है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड और हर्ट, मतलब है कि जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सके, डैमेज किया जा सके, मतलब है कि अति संवेदनशील और सुरक्षित और कमजोर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वल्नरेबल। और जो आजकल के ये साइबर केस होते हैं, मोबाइल वगैरह हैक होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल कहने का मतलब है असुरक्षित है, कमजोर है, अति संवेदनशील है। अगला जो वर्ड है वो है कैरी आउट। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, पुट इन इफेक्ट, परस्यू टू अ कंक्लूजन और ब्रिंग टू अ सक्सेसफुल इशू, मतलब है पूर्ण करना और कार्यान्वित करने के सेंस में हम कैरी आउट का इस्तेमाल करते हैं। यहां तीन वर्ड है, कंसोलेशन मतलब होता है सांत्वना और आश्वासन, अगला जो वर्ड है वो है वल्नरेबल मतलब होता है अति संवेदनशील, असुरक्षित और कमजोर, कैरी आउट का मतलब होता है पूर्ण करना और कार्यान्वित करना। चलिए अगला जो वर्ड है वो है रिवर्ट। वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, गो बैक टू प्रीवियस स्टेट मतलब होता है फिर से लौट आना या वापस आना, रिवर्ट मतलब होता है फिर से लौट आना या वापस आना। अगला जो है अकाउंटेबिलिटी, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और फॉर सम एक्टिविटी मतलब है उत्तरदायित्व या जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व या जवाबदेही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वही शब्द यहां पर आप अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं, उत्तरदायित्व या जवाबदेही। अगला जो है ग्लिच, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कह रहा फॉल्ट और डिफेक्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम और मशीन मतलब होता है गड़बड़। अब देखिए इस शब्द का ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप संदर्भ के हिसाब से यूज करना चाहें तो गड़बड़ के सेंस में हम इस शब्द को आपकी आप अपने किसी संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो शब्द आया वो है रिवर्ट, फिर से लौट आना, वापस आना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व या जवाबदेही और ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़। चलिए अगला जो वर्ड है वो है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, हम प्रॉक्सी एग्जामिनेशन में बिठा देते हैं, एंड अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट फॉर अनदर मतलब है प्रतिनिधि या परोक्षी के सेंस में, कि ऐसा आदमी जो किसी दूसरे के लिए ऑथराइज किया गया हो उसको हम कहते हैं क्या, प्रतिनिधि और परोक्षी। अगला वर्ड है प्लेग, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, कॉज टू सफर अ ब्लाइट, एनॉय कंटिन्यूअली और क्रॉनिकली, त्रस्त करना, विनाश करना और परेशान करना। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्लेग आपने कभी सुना है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जानते हैं जो आपके समाज से जुड़ा हुआ है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। कि प्लेग तो एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब है त्रस्त करना, विनाश करना, परेशान करना। क्या आपने सुना है ये किसी, मैं हिंट देता हूं, ये किसी जानवर से जुड़ा हुआ है और ये आपके घर में आसपास में वो जानवर दिखता है और उसकी वजह से शायद कोई गड़बड़ी, पता नहीं, अब बताइएगा मुझे, मैं जितना हिंट दिया बहुत है। आगे देखिए स्टेक, स्टेक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, पुट एट रिस्क अ राइट और लीगल शेयर ऑफ समथिंग मतलब है दाव पर लगाना, लगातार या नजर रखने के सेंस में हम स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां जो वर्ड आया वो आया प्रॉक्सी, प्लेग एंड स्टेक। चलिए आगे बढ़ेंगे, वो जो है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कह रहा है माइजरली रिजल्टिंग फ्रॉम एफ्लिक्शन इंटेंस मौनफुलनेस मतलब है संताप, शोक और विषाद से। वो का मतलब क्या होता है, संताप से, शोक से, दुख से, विषाद से। अगला जो वर्ड है वो है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब होता है क्या होता है, किसी चीज को डिसमेंटल करने का मतलब है कि उसके टुकड़े टुकड़े में उसको चेंज कर देना। वो की तरह इस्तेमाल होता है टेक अपार्ट इन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट पीसेस मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कर्व। कर्व नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज नॉट वांटेड मतलब होता है नियंत्रित करने के सेंस में, नियंत्रण करने के सेंस में हम कर्व का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कंट्रोल के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो पहला वर्ड है मतलब होता है संताप, शोक और विषाद। इस पेज पर दूसरा वर्ड है डिसमेंटल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में कर देना, और कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करने से। चलिए जो अगला वर्ड है वो है इनॉर्मस। इनॉर्मस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज इन साइज और एक्सटेंट और अमाउंट और पावर और डिग्री, मतलब विशाल और बहुत बड़ा के सेंस में इस्तेमाल होता है। और बिलीगर, बिलीगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एनॉय परसिस्टेंटली सराउंड सो एज टू फोर्स टू गिव अप, मतलब होता है तंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिलीगर का। ये एक नया शब्द है बिलीगर, मुझे लगता है कि बहुत सारे नए शब्द आपको यहां पर मिले होंगे। तो ये थे द हिंदू के शब्द। यहां पर मैं आपको एक मिथ से बाहर निकालना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैं तो द हिंदू पढ़ूंगा, द हिंदू पढ़ूंगा। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई साहब ऐसा किसी के कहने पर मत जाइए, आप अपनी औकात देखिए। अब देखिए आपको लगेगा कि सर इतना बुरा शब्द कैसे बोल रहे हैं, शब्द बुरा नहीं होता है सर, औकात का मतलब होता है कैपेसिटी से। और कोई अगर ये आपको कहता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्द अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ईजी होता है, तो मैं आपको उसका कुछ नमूना अभी दिखाता हूं। मुझे पसंद आया, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो न्यूज़पेपर कोई भी हो, अगर वोकैबुलरी आपके लिए नया है तो आप पढ़िए जरूर वहां पर। तो चलिए कुछ शब्द हम टाइम्स ऑफ इंडिया के यहां पर लेकर के आए। देखिए पहला वर्ड है रिग। रिग जो होता है वो नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कहते हैं मैनिपुलेट इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, मतलब होता है धोखा। और बड़ा ट्रक के लिए भी हम रिग का इस्तेमाल करते हैं, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जो बड़ा ट्रक होता है उसके लिए भी रिग इस्तेमाल करते हैं, या फिर धोखा के सेंस में भी हम करते हैं। अगला जो वर्ड है ओलिगोपोली। अब देखिए ओलिगोपोली एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और ओलिगोपोली क्या है? अ सिचुएशन इन विच अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हैज कंट्रोल ऑफ एन एरिया ऑफ बिजनेस, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ कंपनी, बहुत कम संख्या की जो कंपनी होती है वो क्या होती है कि कंपनीज हैज कंट्रोल ऑफ एन एरिया ऑफ बिजनेस सो दैट अदर्स हैव नो शेयर। तो इस स्थिति को कहते हैं ओलिगोपोली, हिंदी कह लीजिए अल्पाधिकार। अगला जो वर्ड है वो स्टैगर। स्टैगर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। और इसका जो मतलब होता है वॉक एज इफ अनेबल टू कंट्रोल वंस मूवमेंट, मतलब है डगमगा करके, विचलित होकर के, लड़खड़ा करके जो चलते हैं उसको हम कहते हैं स्टैगर। तो देखिए तीन के तीनों शब्द मुझे लगता है कि यहां पर आपके लिए नए होंगे। रिग का मतलब बड़ा ट्रक भी होता है, रिग का मतलब धोखा भी होता है, ओलिगोपोली का मतलब होता है कि एक सिचुएशन है जहां पर क्या है स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैज कंट्रोल ऑफ एन एरिया ऑफ बिजनेस, अल्पाधिकार के सेंस में होता है। और स्टैगर का मतलब होता है विचलित करना, लड़खड़ाकर चलना। चलिए अगला जो वर्ड है वो है होमस्पन। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त शब्द है, ये नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। होमस्पन का मतलब होता है रफ लूजली वुवन फैब्रिक ओरिजिनली मेड विद यार्न दैट वाज स्पन एट होम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्री लाइफ, मतलब क्या है कि एक ढीला ढाला जो कपड़ा होता है जिसको बिना जाता है घर पर खुद से, होमस्पन का मतलब होता है घर का बिना। या फिर आप कह सकते हैं जो सीधा साधा इंसान होता है ना, जो कंट्री लाइफ होता है, कह रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्री लाइफ, उसके लिए भी आप होमस्पन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लिख करके बताइएगा क्या ये शब्द आपको पता था, होमस्पन किसे कहते हैं कमेंट में। और आप लोग कमेंट करने से शर्माते क्यों हैं? मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, अगर आप लाइक कर देंगे कमेंट कर देंगे तो आप सच मानिए, मैं जब वो देखता हूं, कोई बच्चा अगर लिखता है कि हाँ सर मुझे फायदा हो रहा है, तो मेरी नींद खुल जाती है कि नहीं यार आज वीडियो नहीं डाला, दो दिन गड़बड़ी हो गई थी कुछ मेरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, जिस वजह से मैं उपलब्ध नहीं हो पाया। चलिए अगला क्या है मेडन। मेडन नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। फर्स्ट और अर्लीएस्ट, मेडन का मतलब होता है प्रथम, ऐसे क्रिकेट में जिस ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है उसको कहते हैं मेडन ओवर। लेकिन यहां पर जो पहला होता है, अब समुद्री यात्रा होती है, आपने सुना होगा मेडन वॉयज, पहली समुद्री यात्रा पर ही टाइटैनिक डूब गया था, तो मेडन वॉयज कहेंगे पहली यात्रा, मेडन मतलब होता है प्रथम। चलिए अगला जो वर्ड है ऑन द वर्ज ऑफ, ये एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन और इज वेरी लाइकली टू हैपन, मतलब है के करीब। ऑन द वर्ज का मतलब होता है कगार पर, जो होने होने को हो किसी चीज का। क्या कह रहा है? एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर कुछ होने वाला हो तो ऑन द वर्ज ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर होमस्पन मतलब होता है घर का बुना, सीधा साधा। मेडन का मतलब होता है प्रथम और ऑन द वर्ज का मतलब होता है के करीब। चलिए अगला जो वर्ड है वो है एक्सिलरेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और एक्सिलरेट का मतलब होता है फिल विद सबलाइम इमोशन, मतलब है आनंदित करना, हर्षित करना या हर्षित होना, मतलब आप किसी खुशी के इमोशन से भर जाइएगा तो उसको कहेंगे एक्सिलरेट हो गया, है ना। तो यहां पर क्या है, अगला वर्ड है इलीट। नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सेलेक्टेड एज द बेस्ट, सर्वोत्कृष्ट, हमारे समाज में भी इलीट क्लास होते हैं, मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, जिसको सबसे बेहतर चुना जाए। लिंगर, लिंगर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। टेक वंस टाइम प्रोसीड स्लोली, मतलब है विलंब करने वाला, रुका रहने वाला, टिका रहना, इस सेंस के लिए हम लिंगर होता है। लिंगर मतलब होता है विलंब करने के सेंस में, विलंब करने वाले के सेंस में लिंगर कहते हैं। तो यहां जो तीन शब्द है, एक्सिलरेट मतलब होता है आनंदित करना, इलीट मतलब सर्वोत्कृष्ट, और लिंगर का मतलब होता है विलंब करने वाला। चलिए अगला जो वर्ड है वह डिस्मे। डिस्मे नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। लोअर समवन्स स्पिरिट, मेक डाउन हार्टेड। डाउन हार्टेड मतलब है किसी को हम हतोत्साहित कर दे, उसको फ्रस्ट्रेट कर दे। जैसे कोई आया कि हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे, अच्छा
लिखने आता है, इतना पेपर है, इतना सिलेबस है। अब बेचारा उत्साह से आया था, उसका उत्साह का जो है बैंड बजा दिए हम। इसको कहते हैं हतोत्साहित करना। डिसमे का मतलब क्या है? लोअर समवनस स्पिरिट, मतलब किसी की जो स्पिरिट है उसको कम कर देना, हतोत्साहित करने के सेंस में। अगला जो वर्ड है वो है क्वाड्रुपल। मुझे ये लिख करके बताइएगा कि क्या आपको ये पता है कि दो गुने के लिए डबल, तीन गुने के लिए ट्रिपल, क्या आपको पता है चार गुने को क्या कहते हैं? फोर टाइम्स। नहीं सर, देखिए ये है क्वाड्रुपल, ये नाउन वर्ब और एडजेक्टिव हर तरीके तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। फोर टाइम्स एज ग्रेट और मेनी, मतलब जो हम कहते हैं ना डबल ट्रिपल, तो चौथे के लिए क्या कहेंगे? क्वाड्रुपल। और अब मुझे आप पांच गुने के लिए कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या कहते हैं, नहीं तो हम बताएंगे, लिखिएगा जरूर। मतलब होता है चार गुना, क्या है? क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल का मतलब क्या होता है? चार गुना। चलिए अगला जो वर्ड है फ्रेजल। फ्रेजल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, मतलब सुकुमार। नहीं ये गलत है, ये मीनिंग गलत है, यहां पर मीनिंग नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है सुकुमार, जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजल का मतलब क्या? इजिली ब्रोकन और डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। आप चेंज कर लेना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो मतलब क्या होता है? सुकुमार, जो बहुत आसानी से टूट जाए उसको कहते हैं फ्रेजल। तो यहां पर जो वर्ड है डिसमे मतलब हतोत्साहित करना, क्वाड्रुपल का मतलब चार गुना, एंड फ्रेजल का मतलब होता है सुकुमार, कमजोर। चलिए अगला जो वर्ड है वो है रैचेट अप। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। रैचेट अप का मतलब होता है टू इंक्रीज रिड्यूस समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब है किसी चीज का इंक्रीज होना या घटना, समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी चीज का या तो बढ़ना या घटना, इंक्रीज और रिड्यूस समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रैचेट अप का। अब देखिए इंसीडियस, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वॉकिंग और स्प्रेडिंग इन अ हिडन एंड यूजुअली इंजूरियस वे, मतलब होता है घातक, धोखेबाज या चोरी छिपे घात करने वाले के लिए इंसीडियस कहते हैं। इंसीडियस शब्द एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वॉकिंग और स्प्रेडिंग इन अ हिडन एंड यूजुअली इंजूरियस वे, मतलब होता है घातक, धोखेबाज या चोरी छिपे घात करने वाला। अगला जो वर्ड है थ्राइव। अब थ्राइव जो वर्ड है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, ग्रो वेगरसली मेक स्टेडी प्रोग्रेस, मतलब होता है फलना फूलना पनपना कामयाब होना, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्राइव। तो पहला है रैचेट अप, दूसरा है इंसीडियस। रैचेट अप का मतलब होता है टू इंक्रीज और रिड्यूस समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंसीडियस का मतलब होता है घातक धोखेबाज, और थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना कामयाब होना पनपना। चलिए अगला जो वर्ड है डेडवुड। अब देखिए डेडवुड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अब नहीं लगता है कि मरी हुई लकड़ी, देखिए ऐसा देख करके आपको लगेगा, समवन और समथिंग दैट इज अनवांटेड और अननीडेड, मतलब ऐसी कुछ चीज या ऐसा कोई जो क्या हो, अनवांटेड हो, जिसकी जरूरत नहीं हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेडवुड का। ऑसिफाई, ऑसिफाई वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, बिकम बोनी कॉज टू बिकम हार्ड एंड बोनी, मतलब है सख्त बनाना या सख्त हो जाना, अगर कुछ भी सख्त हो जाए तो उसके लिए कहेंगे ऑसिफाई, है ना। ऑसिफाई मतलब होता है सख्त बनाना या सख्त हो जाना। अगला है स्पॉन, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू डेवलप और टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब होता है जन्म देना और पैदा करना। तो यहां पर जो है पहला वर्ड है डेडवुड, इसका मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज अनवांटेड, ऑसिफाई का मतलब होता है सख्त बनाना या सख्त होना, स्पॉन का मतलब होता है जन्म देना और पैदा करना, यहां पर देखिए अवांछित व्यक्ति या वस्तु। चलिए अगला जो वर्ड है वो है सकअप। ये एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब इसका है अ पर्सन हु इज इंग्रेसिएटिंग और फॉनिंग। क्या कह रहा है? अ पर्सन हु इज इंग्रेसिएटिंग और फॉनिंग, मतलब है प्रसन्न करने की कोशिश करना, है ना। सकअप का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज इंग्रेसिएटिंग और फॉनिंग, मतलब है प्रसन्न करने की कोशिश करना। अगला जो वर्ड है स्टैग्नेट। स्टैग्नेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और कह रहा है बी आइडल, एग्जिस्ट इन अ चेंजलेस सिचुएशन, मतलब बंधे रहना, रुक जाना या निष्क्रिय होना। बी आइडल, एग्जिस्ट इन अ चेंजलेस सिचुएशन, मतलब कैसे सिचुएशन में एग्जिस्ट करना? चेंजलेस सिचुएशन में, मतलब जो बदले नहीं, है ना। और देखिए अगला वर्ड जो है पीयर, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अ पर्सन हु इज इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर इन अ ग्रुप, लुक सर्चिंगली, मतलब इसका है ताकने से, देखने से। और पीयर का मतलब हम उम्र से, मैंने आपको बताया था क्लास में भी इसकी चर्चा हुई है, तो पीयर का मतलब होता है हम उम्र, जो एक उम्र के व्यक्ति होते हैं ना उसको कहते हैं पीयर, या फिर ताकने और देखने के सेंस में भी। तो सकअप का मतलब होता है प्रसन्न करने की कोशिश करना, स्टैग्नेट का मतलब होता है बंधे रह जाना, रुक जाना या निष्क्रिय होना, और पीयर का मतलब होता है ताकना, देखना और समकक्ष व्यक्ति। चले अगला जो वर्ड है वो डाउन टर्न। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और डाउन टर्न का मतलब होता है वर्सनिंग ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब है व्यापार आदि में घाटा कटौती के लिए हम डाउन टर्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है यूटोपियन। यूटोपियन का एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और कह रहा है कैरेक्टराइज बाय और एस्पायरिंग टू इम्प्रैक्टिकेबल परफेक्शन, मतलब है आदर्श के सेंस में। यूटोपियन का की चर्चा मैंने
शायद आपके लिए OWS में कहीं पर किया है। यूटोपियन का मतलब होता है ऐसा स्टेट जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो, आदर्श हो, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यूटोपियन का मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय और एस्पायरिंग टू इम्प्रैक्टिकेबल परफेक्शन, और ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है आदर्श। तो यहां पर जो आया डाउनटर्न का मतलब होता है व्यापार आदि में घाटा, और यूटोपियन का मतलब होता है आदर्श। देखिए एपिसोड तो लंबा हुआ, मैं भी थोड़ा थक गया, लगातार बोल बोल करके वर्ड गला दुख गया, लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि आप सबको बहुत सारे नए शब्द मिले और आप यहां तक मेरे साथ बने रहे और आपको इस वीडियो को देख करके मजा आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सच में मेहनत को देखते हुए लाइक करने से चूकिएगा नहीं, शेयर कर दीजिएगा, और आपको जो जो मैंने पूछा है उसका जवाब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। आप जितना, मैं कहता हूं कि आप किस शहर से देख रहे हो, आप किस राज्य से देख रहे हो वो भी मुझे बताओ, किस देश से देख रहे हो वो भी मुझे बताओ, ये भी जान करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो इतने लोग तो जुड़े हैं, इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को फायदा हो रहा है, तो कम से कम कुछ तो हो जो मुझे एनर्जी देता रहे कि नहीं यार वीडियो बनते रहना चाहिए, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। वैसे दो दिन वीडियो नहीं आया तो बहुत बुरा लग रहा था कि यार पता नहीं सभी लोग वेट कर रहे होंगे, खैर अब ऐसा नहीं होगा, फिर से रेगुलर हो गए हैं हम। तो उम्मीद करते हैं मजा आया है, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। बहरहाल समय अस्पताल लेने का, बहुत जल्द इस तरह की वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट टू सीजन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।